पता लगाएंगे। और देखिए भाई, ये उल्टी नहीं होती है, टेम्परेचर प्रेशर और कंसंट्रेशन उन्हीं के टर्म में पता लगाएंगे। फिर दूसरी बात यह है कि अगर हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होंगे, और फिर जो है विदाउट इक्विलिब्रियम वाले में से इक्विलिब्रियम को हटा देंगे तो हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा। लगता है कि इस फार्मूले तक की बात हमने किया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल नंबर। हाँ चलो, अब जरा हेडिंग दे दीजिए, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैन बी कैलकुलेटेड एज चलिए पहले हम जो है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स निकालेंगे जब सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं। ठीक है, देखिए अगर आप फिगर को देखेंगे जो है तो इसमें हमने केवल कंसंट्रेशन को कंसीडर किया, C1 C2 C3 अप टू, टेम्परेचर और प्रेशर आपका कहीं दिखाई नहीं दे रहा, किस कहीं फिगर में टेम्परेचर और प्रेशर का नाम नहीं है। मीन्स इसका मतलब कि टेम्परेचर और प्रेशर पूरे सिस्टम के लिए सेम है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले जो हमको वेरिएबल दिखाई दे रहा है कंसंट्रेशन, हम कंसंट्रेशन के टर्म में बात जो है करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम फेज नंबर 1 की बात अगर करें जो है, ये देखिए अगर हम फेज नंबर 1 की बात करें और सपोज कीजिए कि फेज नंबर 1 में केवल दो कंपोनेंट है, C1 और दूसरा है आपका C। फेज नंबर 1 में सपोज कीजिए कि दो कंपोनेंट है, हम फिर C कंपोनेंट की भी बात कर लेंगे जो है। और मान लीजिए फेज नंबर 1 के बारे में आपको क्लियर जानकारी, क्लियर का मतलब कितने कंपोनेंट है और उसका टोटल मोलर कंसंट्रेशन की। ठीक है, देखिए हमको दो चीज मालूम होना चाहिए, फेज नंबर 1 में कितने कंपोनेंट है और फेज 1 का टोटल मोलर कंसंट्रेशन कितना है, ये दो चीज हमको मालूम है। ठीक है, कि दो कंपोनेंट है और टोटल मोलर कंसंट्रेशन मालूम। अगर हम दोनों कंपोनेंट का आपसे अलग अलग मोलर कंसंट्रेशन जानना चाहें तो ये भी आप बता देंगे। कैसे बताएंगे, तो आप कहेंगे सर कम से कम एक का हमको मोलर कंसंट्रेशन बता दें, जैसे टोटल में से घटाएंगे दूसरे का मोलर कंसंट्रेशन मालूम हो जाए। यानी हमारे कहने का मतलब है कि अगर फेज नंबर 1 में केवल दो कंपोनेंट है तो हमको एक का मोलर कंसंट्रेशन जब मालूम रहेगा तभी हम दूसरे का मोलर कंसंट्रेशन बता पाए। यह बात आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब अगला हम फेज ले रहे हैं, सपोज कीजिए कि उस फेज में तीन कंपोनेंट C1 है, C2 है और C3 है, ये फेज नंबर हमारा 2 है। तो यहाँ पर तो आपने कहा कि अगर फेज नंबर 1 में दो कंपोनेंट है तो एक का मोलर कंसंट्रेशन सर मालूम रहेगा, तभी टोटल में से घटाएंगे तो दूसरे का पता चलेगा। अगर मान लीजिए तीन कंपोनेंट है तो कितने का मोलर कंसंट्रेशन मालूम रहना चाहिए, 2 का। ठीक है, तो अब देखिए बात क्या आती है, बात ये आ रही है कि एक हम टेबल बनाएंगे कंपोनेंट्स और दूसरा होगा मोलर कंसंट्रेशन। अगर दो कंपोनेंट है तो आपने कहा कि सर एक का मोलर कंसंट्रेशन मालूम होना चाहिए, अगर तीन कंपोनेंट है तो कितने का मालूम होना चाहिए, 2 का, तभी टोटल में से घटाएंगे तो तीसरे का मिलेगा। अगर मान लीजिए चार कंपोनेंट है तो कितने का मालूम होना चाहिए, 3 का। जो सिस्टम हम कंसीडर कर रहे हैं उसमें कितने कंपोनेंट है, C कंपोनेंट है, देखिए प्रत्येक पेज में C कंपोनेंट है, तो ऐसे बढ़ते जाएंगे। अगर C कंपोनेंट के लिए कितने मोलर कंसंट्रेशन आपको मालूम होने चाहिए, C
माइनस ये देखिए, यही हम कहना चाह रहे कि अगर फेज नंबर वन में सी कंपोनेंट है तो सी माइनस वन का हमको मोलर कंसंट्रेशन अगर बता दिया जाए तो जितने भी कंपोनेंट है सबका मोलर कंसंट्रेशन हम बता दें, ठीक है, यानी एक उससे कम टोटल कितने घटाएंगे तो उसका भी आ जाएगा। अब बात देखिए, यह जो कंसंट्रेशन टर्म आया है सी माइनस वन, ये फेज नंबर वन के लिए आया है। अब आइए फेज नंबर दो को देखिए फिगर, फेज नंबर दो में भी उतने ही कंपोनेंट है तो फेज नंबर दो में भी हमको उतने का मोलर कंसंट्रेशन मालूम होना चाहिए, यानी जब फेज नंबर दो की बात करेंगे तो प्लस सी माइनस वन, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं टू इंटू सी माइनस वन, यानी फेज नंबर दो तक का अगर मोलर कंसंट्रेशन मालूम कर रहा हो तो टू इंटू सी माइनस वन। मान लिया अगर इसी तरह फेज तीन थ्री तक का मोलर कंसंट्रेशन मालूम करना हो तब क्या कहेंगे, थ्री इंटू सी माइनस वन कहेंगे कि नहीं कहेंगे, और मान लीजिए चौथे तक का करना होगा तो फोर इंटू सी माइनस वन। लेकिन फिगर में देखिए कितने फेजेज हैं, पी फेजेज हैं, तो कितने कंसंट्रेशन टर्म होंगे, पी इंटू सी माइनस वन, इतने कंसंट्रेशन टर्म होंगे पी वन से लेके पी टी तक सभी फेजों के, यानी पी फेजों के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म होंगे पी इंटू सी माइनस वन। देखिए यह जो टर्म आए हैं ये कंसंट्रेशन के टर्म है, और हमने शुरू में ही बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए तीन वैल्यू होती है, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के टर्म में तो हमको वैल्यूएबल मालूम हो गया कि सर पी इंटू सी माइनस वन वैल्यूएबल, अब हमको सोचना है टेम्परेचर के टर्म में कितने वैल्यूएबल होंगे और प्रेशर के टर्म में। तो पूरे सिस्टम के लिए टेम्परेचर सेम है, जब टेम्परेचर सेम है तो उसके लिए हम लिखेंगे प्लस वन, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा तो वह एक वैल्यूएबल है, और पूरे सिस्टम के लिए टेम्परेचर सेम है तो वह भी एक वैल्यूएबल है, यहाँ तो चेंज हो रहा है तब नहीं जा रहा है, तो टोटल वैल्यूएबल कितने होंगे, तो जो हमारी टोटल एक्वेरियम वैल्यूएबल होगी पी इंटू सी माइनस वन प्लस, ये टोटल वैल्यूएबल होगी का जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसको आपको थियोरेटिकली जो है एक्सप्लेन करना है, और वो ख्याल करेंगे वो प्लस टू हमने कहाँ से लाया है, तो प्लस वन टेम्परेचर का है और प्लस टू आपका प्रेशर का है। तो इस तरह से टोटल वैल्यूएबल जो होंगी वो आपका कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में, तो वो पी इंटू सी माइनस वन प्लस इस सिस्टम के लिए इतनी टोटल वैल्यूएबल। पहले इतना लिख लीजिए तब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। लिखे सपोज ए फेज कंटेंस, सपोज ए फेज कंटेंस TWO टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स, देन इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वन कंपोनेंट इज नोन, वन कंपोनेंट इज नोन, देन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अदर कैन बी कैलकुलेटेड, अदर कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिफरेंस, घटा देंगे तो दूसरे का मिल जाएगा, बाय डिफरेंस, दस द फेज कंटेनिंग, दस द फेज कंटेनिंग
two components, can be defined completely by one concentration term. Similarly, if a phase contains three components, then can be defined completely. By two concentration terms. Hence, it can be defined completely. By two concentration term. इसके बाद लिखना है hence in general if a phase contains c components then it can be defined completely. By bracket में लिखेंगे c-1 bracket close concentration terms ORR, इसको variables भी बोलते हैं, ORR variables. Thus for all the P phases, the total number of concentration terms ORR variables will be के बाद आप ये लिखेंगे p into c-1 केवल इतना p into bracket में c-1 besides these concentration variables the temperature and pressure of the system which are the same
सेम फॉर ऑल द फिजिक्स आर ऑल्सो वेरिएबल्स आर ऑल्सो वेरिएबल्स। चलिए अब नई लाइन से देखिए, दस द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स दस द टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स बराबर का साइन दीजिए और ये उतारिए पी इंटू सी माइनस वन प्लस टू पी इंटू सी माइनस वन प्लस चलिए आज बात करते देखिए आप दूसरा पार्ट हम डिराइव करेंगे कि जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तब नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं वो हमको डिस्कस करना है। तो जरा हेडिंग बना दीजिए द नंबर ऑफ वेरिएबल द नंबर ऑफ वेरिएबल डिफाइंड बाय द सिस्टम डिफाइंड बाय द सिस्टम because of its being in equilibrium because of its being in equilibrium can be calculated as चलिए देखिए अब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। देखिए जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो हमने फेज लिया है जैसे मान लीजिए पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से फेज लिया। देखिए जब फेज इक्विलिब्रियम में होते हैं तो एक उसमें स्पेशल कंडीशन आती है, कंडीशन ये आती है उनका केमिकल पोटेंशियल आपस में सेम हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर तीन फेज कंसीडर कर रहे हैं, सपोज कीजिए ये तीन फेज हैं ए बी सी, ये तीन फेज हैं और सपोज कीजिए कि तीनों फेज आपस में इक्विलिब्रियम में, तो जब तीनों फेज इक्विलिब्रियम में होंगे तो तीनों फेजों का केमिकल पोटेंशियल आपस में सेम होगा। जैसे मान लीजिए पहले फेज का केमिकल पोटेंशियल होगा म्यू ए, दूसरे फेज का केमिकल पोटेंशियल होगा म्यू बी और तीसरे फेज का केमिकल पोटेंशियल होगा म्यू सी। ये चूंकि इक्विलिब्रियम में है तीनों फेज तो इसलिए इनका केमिकल पोटेंशियल आपस में सेम, ये कंडीशन है, ठीक है। चलिए अब तो यहाँ पर तो हमने पूरे फेज के केमिकल पोटेंशियल की बात करी, हम जो भी फेज कंसिडर कर रहे हैं उसमें सी वन से लेकर सी तक कंपोनेंट, ठीक है। मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम अगर इसके फर्स्ट कंपोनेंट की बात करें ए और इसमें भी फर्स्ट कंपोनेंट की बात करें, इसमें भी फर्स्ट कंपोनेंट की बात। देखिए हमने पिछले दिनों जब फिगर बनाया था तो बताया ही था कि जब फेज इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो उस फेज में प्रेजेंट प्रत्येक कंपोनेंट भी इक्विलिब्रियम में आ गए। शुरू में आपको बताना फिगर याद है कि हमने इक्विलिब्रियम नहीं बनाया था, केवल सी वन सी टू ऐसे बताया था, आज जब फेज को हमने इक्विलिब्रियम में लाया तो वो कंपोनेंट भी इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। तो देखिए अब होगा तो उसमें भी कंडीशन फेज ए का सी वन ही फेज बी के सी वन के साथ इक्विलिब्रियम में आ रहा है, ये नहीं
फेजे का सी वन ले लें और बी का सी टू आकार प्रक्रिया में, ऐसा नहीं हो। प्रत्येक फेज का सेम कंपोनेंट आपस में इक्विलिब्रियम में होगा। अगर इसका सी वन लेते हैं तो ये इसके सी वन के साथ ही इक्विलिब्रियम में आए, जब सी टू लेंगे तो उसके साथ सी टू ही इक्विलिब्रियम में आए, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस तरह से हम कंपोनेंट लेते गए जो है, और लास्ट में ये हमारा सी सी कंपोनेंट भी आएगा, ठीक है। अब बात ये करते हैं, जैसे सी सी के पहले सपोज कीजिए कि आई एफ कंपोनेंट भी आ गया, जैसे हम इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4, इस तरह से लास्ट में हमारा सी कंपोनेंट है। जैसे सपोज कीजिए कि इसके पहले हमारा आई भी हो, आई के बाद सी हो, वो तो सी और आई अनुंड है। तो मान लीजिए अगर हम आई एफ कंपोनेंट के लिए केमिकल पोटेंशियल लिखें तो सबका आई कंपोनेंट है। जैसे ए का भी आई कंपोनेंट लेंगे तो हम कहेंगे म्यू आई ए, बी का भी आई लेंगे तो म्यू आई बी, और इसका भी आई लेंगे तो म्यू आई सी कर दो, ये तीनों आपस में बराबर। अगर हम इसका फर्स्ट कंपोनेंट लेंगे तो हम कहेंगे म्यू वन ए इक्वल टू म्यू वन बी इक्वल टू म्यू वन सी, जो भी लेंगे सेम लेंगे। तो अगर हमने एक जनरल आई कंपोनेंट लिया है तो आई कंपोनेंट का जो केमिकल पोटेंशियल ए में होगा हम उसको कहेंगे म्यू आई ए, फिर उसी आई का जब बी में होगा तो हम कहेंगे म्यू आई बी, फिर वही आई सी में होगा तो हम कहेंगे म्यू आई सी। कोई भी कंपोनेंट ले सकते, फोर्थ फाइव जो भी ले लीजिए, लेकिन सेम कंपोनेंट आप ले। हमने जनरल ले लिया कि सपोज कीजिए कि तीनों में आयरन कंपोनेंट है तो उस आयरन कंपोनेंट का केमिकल पोटेंशियल सेम, ठीक है। चलिए अब बात ये सोचना है कि यह जो रिलेशन हमारा मिला हुआ है तीन फेज के, कितने फेज हमने कंसीडर किया, तीन ए बी सी, तो ये जो रिलेशन हमको तीन फेजों के लिए मिला हुआ है इससे कितने इक्वेशन हम बना सकते, ये सोचना है। देखिए इक्वेशन का मतलब आप जानते हैं, इक्वेशन में दो चीज होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और राइट हैंड साइड में कुछ होता है, बीच में बराबर करता है। तो अब देखते हैं कितने इक्वेशन बन है। तो हमको लग रहा है कि एक इक्वेशन तो हमारा ये बनेगा म्यू आई ए इक्वल टू म्यू आई बी, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन। फिर दूसरा इक्वेशन आइए म्यू आई बी इक्वल टू म्यू आई सी, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू। फिर एक तीसरा इक्वेशन आइए म्यू आई ए इक्वल टू म्यू आई सी, ये तीन इक्वेशन जो है बन गए, ठीक है। देखिए ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब बात ये करना है कि जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये होता है कि मिनिमम नंबर आ गए जिससे हम पूरे सिस्टम को क्लियर क्लियर एक्सप्लेन कर लें। अब उसी तरह से हमको ये सोचना है कि ये तीन इक्वेशन तो बन रहे तीन फेजों के लिए, लेकिन हम कम से कम कितने इक्वेशन से उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे। तो हमको तो लग रहा है कि अगर हमारे पास केवल इक्वेशन नंबर वन और टू हो, यही केवल दो हो, तो तीसरा हम वन और दो की मदद से भी प्राप्त कर सकते। कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो दोनों को जोड़ दीजिए, बी से बी कैंसिल और बी में इज कर टू म्यू सी। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर तीन फेज इक्विलिब्रियम में है तो तीनों फेज को क्लियर क्लियर एक्सप्लेन करने के लिए हमको कम से कम दो इक्वेशन मालूम होने चाहिए, तीनों की हमको जरूरत नहीं। आप दो ही बना लीजिए, दोनों को जोड़ देंगे, तीसरा हमको एडमिटिव मिल जाएगा। यानी अब बात आते हैं, देखते हैं फेजे और इक्वेशन। अगर तीन फेज है तो आपने कहा कि सर दो इक्वेशन मालूम होना चाहिए, तीसरा जोड़ देंगे तो आ गया। अब आइए मान लिया हमारे पास चार फेज है, कितने इक्वेशन मालूम होने चाहिए, तीन इक्वेशन। हमारे पास कितने फेजेज हैं,
फिगर में देखिए पी पे ले जाए कितने इक्वेशन मालूम होने चाहिए, पी माइनस वन कितने इक्वेशन मालूम होने चाहिए। लेकिन यह इक्वेशन किसके लिए मालूम होने चाहिए, आई के रिस्पेक्ट में। हमने आगे एक पर्टिकुलर लिया है, जब हम लिखे थे म्यू वन वन टू थ्री तो एक आई आएगा, तो ये तो आई कंपोनेंट के लिए इतनी जो है काटला की इक्वेशन होनी चाहिए। केवल अभी ये कंपोनेंट की बात मैं कर रहा हूं, आई कंपोनेंट। मान लीजिए अगर इसी तरह से दूसरा और कंपोनेंट ले तो उसके लिए कितने इक्वेशन मालूम होने चाहिए, टू इंटू पी माइनस वन। भाई दूसरा कंपोनेंट लेंगे तो उसके लिए भी मालूम होने चाहिए। हमारे पास कितने कंपोनेंट है, फिगर में देखिए टोटल कितने कंपोनेंट है, सी वन सी टू लाई है सी, तो सब कंपोनेंट के लिए कितने इक्वेशन मालूम होने चाहिए, सी इंटू पी माइनस वन। कितने इक्वेशन हमको मालूम होने चाहिए अगर उसमें पी प्रेजेंट हो और सी कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो ये हमारे ये टोटल नंबर आप वैल्यूएबल होंगे कब, जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तब। अब देखिए हमने फार्मूला क्या बनाया था, फार्मूला ये बनाया था कि ये जो टोटल नंबर आप वैल्यूएबल्स हैं उसमें से इक्विलिब्रियम वाले वैल्यूएबल को घटाएंगे। जब इक्विलिब्रियम वाले वैल्यूएबल को घटाएंगे तो घटा के देखते हैं क्या आता। तो ये देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिच पॉइंट टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल ये है पी इंटू सी माइनस वन प्लस टू, माइनस घटाइए इसमें से ये जो आया है सी इंटू पी माइनस। आइए हल करते हैं, पी सी माइनस पी प्लस टू माइनस पी सी और प्लस सी। देखिए PC से PC आपका कैंसिल, यहाँ आ गया C माइनस पी प्लस टू या कुछ कर। और देखिए हमने एक दिन फेसबुक पढ़ाया था तो यही इक्वेशन था या कुछ कर टू सी माइनस पी प्लस। तो ये पूरा का पूरा आपका एक तरह से थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये 9 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा हुआ है डिराइव फेल्यू, तो आपको अलग अलग इसको थियोरेटिकली जो है एक्सप्लेन करके तब लास्ट में जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा। चलिए अब इसको देखिए कंप्लीट कीजिए। व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम the chemical potential of the chemical potential of component is the same in all the p phases, in all the p phases. Thus if a system consists of three phases, three phases, capital letter में लिखेंगे that is, ये लिखना है A comma B and C capital letter में, that is A B and C. Then for any component I, then for any component I. Then for any component I, अब ये लाइन आप लिखें म्यू आई ए इक्वल टू म्यू आई बी इक्वल टू म्यू आई सी।
इक्वल टू न्यू आई सी these are two equations which yes कह रहे हैं कि ये दो इक्वेशन है। अब आप इक्वेशन नंबर वन को उतारिए और दो को उतारिए, केवल वन और टू को उतारिए। दस पार सिस्टम ऑफ थ्री फेजेज टी डब्ल्यू टू इक्वेशंस आर नोन for each component similarly for a system of four phases three equations are known for each component in general for a system of p phases bracket में लिखेंगे p minus 1 bracket close equations are known for each component hence for a system of p phases and c components the number of equations the number of variables defined by the system itself equal to c
ब्रैकेट में पी माइनस वन सी इंटू पी माइनस। अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे हेंस द डिग्री ऑफ फ्रीडम, हेंस द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये तीन लाइन उतर यही आपका हिप्स फेज रूल है या कुछ का टू सी माइनस बी प्लस टू, और ये इसका डेरिवेशन नौ नंबर में पूछा जाता है। दिस इज हिप्स फेज रूल। चलिए जरा हेडिंग दे दीजिए फेज इक्विलिब्रिया ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम, फेज इक्विलिब्रिया ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम। और वन नंबर देखिए इसमें हेडिंग दे दीजिए वाटर सिस्टम। देखिए और बात ये आती है कि अब हम लोग जो है देखिए दो तरह के सिस्टम का हम लोग फेज डायग्राम पढ़ेंगे, फेज इक्विलिब्रियम कहिए या फेज डायग्राम दोनों की बात करेंगे। अब देखिए इसमें वन कंपोनेंट हम लोग पढ़ेंगे या टू कंपोनेंट सिस्टम। वन कंपोनेंट में जो हम लोग का उदाहरण है वो तीन एग्जाम्पल डिस्कस करना है, वाटर सल्फर हीलियम। इसी तरह से जब टू कंपोनेंट में चलेंगे तो वहाँ भी तीन एग्जाम्पल डिस्कस करना है, लेड के साथ सिल्वर है और मैग्नीशियम के साथ जिंक और कॉपर सल्फेट वाटर सिस्टम। तो ये हमको तीन जो है तीन वन कंपोनेंट का तीन टू कंपोनेंट का फेज डायग्राम डिस्कस है। बात यह आती है कि फेज डायग्राम से मतलब क्या आदमी का, तो देखिए फेज डायग्राम का मतलब ये है कि जो भी आप सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल स्टडी। डिटेल स्टडी का मतलब वो कितने फेजों में पाया जाता है, कौन कौन से फेज इक्विलिब्रिया बनाते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर क्या है, उसमें कितने ट्रिपल पॉइंट बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब आप डिस्कस करेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं फेज डायग्राम या फेज इक्विलिब्रियम। तो हम सबसे पहले यहाँ वाटर को डिस्कस करेंगे। देखिए वाटर सबसे सिंपल है और वाटर के बारे में आप जान चुके हैं कि वन कंपोनेंट थ्री फेज सिस्टम। पहला फेज होता है आइस के फार्म में होगा, दूसरा जब वो लिक्विड के फार्म में होगा वाटर, और तीसरा वाटर जो है वेपर के फार्म में होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम जान रहे हैं जो है, तो ये सबसे सिंपल है और अक्सर वाटर पूछा जाता है कि वाटर का फेज डायग्राम आप डिस्कस करें। एक चीज मैं आपको बता दूं, फेज डायग्राम में आपको डायग्राम अपना दिमाग में रखना है कि किस सिस्टम का किस तरह का डायग्राम। हम आपको सिखा देंगे कि डायग्राम अगर बना दिए तो उसी की मदद से कैसे लिखेंगे और क्या लिखना है वो सब आपको याद नहीं करना। जैसे ये दो बार डायग्राम को देखेंगे आप खुद लिखते जाएंगे कि सर ये बता रहा है, ये बता रहा है, ये। तो डायग्राम को थोड़ा ध्यान देना है, डायग्राम सही बन गया तो उसी के अनुसार एक्सप्लेनेशन आपको जो है करना। ठीक है, तो चलिए वाटर सिस्टम को शुरू करते हैं। देखिए वाटर इज मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, वाटर इज ए मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वन कंपोनेंट सिस्टम।
सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री फेजेज, थ्री फेजेज एंड वन कंपोनेंट, थ्री फेजेज एंड वन कंपोनेंट। द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम, द फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम इज शोन इन फिगर, इज शोन इन, आइए डायग्राम बनाते हैं। यही सिंपल सा वाटर का फेज डायग्राम है।
देखिए मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप फिगर बना लीजिए, कल इसको डिस्कस करते हैं। देखिए मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ क्या लिखा है। हमने यहाँ देखिए लिखा है पॉइंट टू को लिखा है ट्रिपल पॉइंट, इधर लिखा है सबलिमेशन कर्व, बी से ऊपर जाएंगे तो सबलिमेशन कर्व, ओ से जब ए पर जाएंगे तो इसको लिखा है वेपर प्रेशर कर्व, और ये हमने लिखा है ओ से सी पर जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कर्व, उधर क्रिटिकल प्रेशर है, ये आइस है, ये वाटर है, ये वाटर वेपर है, ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा है जो है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ये क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें बना दीजिए, कल इस डायग्राम को डिस्कस कर लेंगे, फिर इसके बाद सल्फर का फिर डायग्राम हम डिस्कस कर लेंगे। फिगर कल फिगर एक बार मैं बना लूँगा, आप बनाए रहिए, और फिगर की मदद से हम आपको बता देंगे कि कैसे हेडिंग बनाना है, क्या लिखना है।